कानून व्यवस्था के मुद्दे पर संग्राम मचा है और उधर मध्य प्रदेश में मदरसों पर कोहराम मचा है। मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाया है कि कुछ मदरसों में बच्चों को आपत्तिजनक पाठ पढ़ाया जा रहा है, इसीलिए ऐसे मदरसों का पाठ्यक्रम कलेक्टर चेक करेंगे। नरोत्तम मिश्रा के बयान के बाद अब मदरसों वाली सियासत गर्मा गई है। योगी राज में अपराधियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चले तो मध्य प्रदेश के शिवराज सरकार ने भी असरदार फॉर्मूला अपनाया। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण रोकने का कानून बना तो शिवराज चौहान ने भी जबरन धर्मांतरण पर सख्त एक्शन का भरोसा दिलाया। यूपी के शहर शहर में मदरसों का सर्वे हुआ तो अब शिवराज सरकार ने मदरसों के पाठ्यक्रम की जाँच का फरमान सुनाया है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कुछ मदरसों के पाठ्यक्रम को आपत्तिजनक बताया है। पाठ्यक्रम की जांच का जिम्मा जिला अधिकारियों को थमाया है। इस तरह की किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए हम मदरसों के जो पठन सामग्री है उसे हम कलेक्टर महोदय को कहेंगे कि संबंधित शिक्षा विभाग से वो इसकी स्क्रूटनी करा लें और उसकी व्यवस्था सुनिश्चित रहे, पठन सामग्री भी व्यवस्थित रहे। दरअसल मध्य प्रदेश के बाल संरक्षण आयोग ने हाल ही में कुछ मदरसों का औचक निरीक्षण किया था और पाया था कि वहां पढ़ाई जा रही कुछ सामग्रियां आपत्तिजनक है। इसके बाद गृह मंत्री ने बयान दिया कि बच्चों के पाठ्यक्रम में विवादित विषयों की किताबें शामिल न हो। उधर गृह मंत्री का आदेश आते ही कांग्रेस ने इस फैसले पर सवाल उठाया, मदरसों के पाठ्यक्रम की जांच के साथ साथ शिशु मंदिर की भी जांच का मुद्दा उठाया। वो बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, किसी मदरसे में कोई भी ऐसा आपत्तिजनक कोई भी लिटरेचर न था न है। रहा सवाल जांच कराने का तो मैंने तो बहुत पहले कहा था सब जगह चलो जांच कराने। मैं चलता हूँ, 6-7 साल से मदरसों को ग्रांट नहीं दिए, ग्रांट भी दे दो, साथ साथ में संघ के द्वारा चलाया जा रहा शिशु मंदिर भी तो चेक कर लो, उसमें क्या पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है, क्या शिक्षा दी जा रही है वो भी देख लो। कांग्रेस इस फैसले को अगले साल मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से जोड़ रही है। गृह मंत्री के आदेश में ध्रुवीकरण वाली राजनीति देख रही है। केवल ध्रुवीकरण है, चुनाव की नाकामी के अंदर सामने जाना है तो अब जाए तो क्या करें, केवल यही मुद्दे बचे, बाकी कुछ बचा नहीं है। आपको लगता है कि जांच होनी चाहिए? नहीं, मैंने कहा ना कि जांच हो तो फिर सब की। हाल ही में योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कराया है जिसको लेकर खूब सियासी बवाल हो रहा है। समाजवादी पार्टी से लेकर ओवैसी इस सर्वे पर सवाल उठा रहे हैं, हालांकि सरकार के मंत्री इसे बच्चों की बेहतरी वाला कदम बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मुस्लिम समाज के तरक्की के लिए पूरी ईमानदारी से धरातल पे काम किया है, खासतौर पर मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए लगातार हमने ठोस कदम उठाए हैं। आज मदरसों में हमारा बच्चा दीन और इस्लाम की तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी लेता है, हमारे बच्चे मदरसों का बच्चा वो डिजिटल भी जुड़ रहा है। अब मध्य प्रदेश में भी मदरसे के नाम पर सियासत का नया अध्याय शुरू हो गया है जो आने वाले दिनों में और बढ़ने की उम्मीद है। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।